हेलो दोस्तों दोस्तों हम दिन भर काम करते हैं लेकिन फिर भी हम वो हासिल नहीं कर पाते जिसका हमने कभी सपना देखा होता है। क्या आपके साथ भी ऐसा हुआ है? क्या आपने भी इसका रीजन कभी ढूंढा है? चलिए मैं आपको इसके बारे में बताऊंगा कि हमें ऐसी कौन सी चीजें करनी चाहिए जिनसे हमें सक्सेस मिलेगी। इससे पहले आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, मैं इसी तरह की वीडियो आपके लिए और भी लेकर आता रहूंगा। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों हमें सक्सेस इसलिए नहीं मिलती क्योंकि हम उस डायरेक्शन में काम नहीं करते। हम पूरा दिन बिजी तो रहते हैं लेकिन हम वो काम नहीं कर पाते जो हमारे लिए जरूरी है उस सक्सेस को हासिल करने के लिए। और ऐसा होता क्यों है? प्रायोरिटीज। हमारी सक्सेस हमारी प्रायोरिटीज पे डिपेंड करती है। आप अपने कितने भी डेली एक्शन प्लान बना लीजिए लेकिन एट द एंड वही होगा जिसको आप प्रायोरिटी देते हैं। तो आज मैं आपको वो 5 स्टेप बताने वाला हूँ जिससे आप अपनी प्रायोरिटीज के ऊपर काम करके सक्सेस हासिल कर सकते हैं। तो उसमें पहला स्टेप है, अपनी प्रायोरिटी को ढूंढिए। प्रायोरिटी कुछ भी हो सकती है जैसे फिटनेस, फाइनेंशियल सिक्योर होना या फिर कुछ और। प्रायोरिटीज ढूंढने के लिए सबसे पहले आपको अपने गोल्स पर ध्यान देना होगा कि आप एक्चुअल में चाहते क्या हैं। जब आप अपने गोल्स पर फोकस कर लेंगे तो आपको प्रायोरिटीज का भी पता लग जाएगा। दूसरी बात, आप ये जान लें कि जो प्रायोरिटीज हैं वो आप ही की हैं या नहीं। कई बार होता है हम सोसाइटी के प्रेशर में आके अपनी प्रायोरिटीज चेंज कर लेते हैं या फिर हमारी प्रायोरिटीज किसी चीज या फिर किसी इंसान से जुड़ी होती है, तो ये गलत है। हमें अपने प्रति ईमानदार होना होगा और इस तरह हम अपने प्रायोरिटीज को अच्छे से आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तीसरा स्टेप, हमें वो चीजें ढूंढनी होंगी जिसपे हम अपना सारा दिन वेस्ट कर देते हैं। ये चीजें शुरुआत में तो हमें बहुत अच्छी लगती हैं लेकिन बाद में हमें नुकसान करती हैं और हमें सक्सेसफुल नहीं होने देती हैं, जैसे टीवी देखना या और भी इस तरह की बहुत सी चीजें। मैं ये नहीं कहता कि ये चीजें गलत है लेकिन दिन का एक बड़ा हिस्सा इन पर खराब करना ये गलत है। ढूंढिए कि आप पूरे दिन अपना टाइम किस पर स्पेंड करते हैं और इन्हें खत्म कीजिए। चौथा स्टेप, एक्शन। दोस्तों रातों रात सक्सेस नहीं मिलती, इसके लिए आपको रोज रोज मेहनत करनी होती है। थोड़ा थोड़ा ही सही लेकिन आपको मेहनत करनी जरूरी है। आप जब तक काबिल नहीं होंगे तब तक आपको कामयाबी नहीं मिलेगी। दिन भर में ऐसा एक काम जरूर करिए जो आपको आपके गोल्स की तरफ, आपकी प्रायोरिटीज की तरफ जाए। शुरुआत में तो ये काफी कम होगा लेकिन 6 महीने साल भर के टाइम में आप जब देखेंगे, इसको एनालाइज करेंगे तो ये बहुत ज्यादा लगेगा और आप अपने साथ के लोगों से भी आगे खड़े हुए नजर आएंगे। पांचवा स्टेप, आप अपने एक्शंस को कंबाइन भी कर सकते हैं। जैसे कि आपका कोई एक काम जो आपके 2 गोल्स पूरे कर रहा हो, जैसे आपको फिटनेस चाहिए तो आप जिम भी कर रहे हो, साथ में सुबह सुबह जिम से आते हुए घर की कुछ जरूरी चीजें ले आए। सो इस तरह से एक्शन कंबाइन करने से आपका टाइम भी बचेगा और आप उस टाइम को किसी नए काम में भी दे सकते हैं। ये बातें मैंने आपको किट कासाडोस की लिखी हुई बुक द डेली एक्शन प्लान से बताई हैं। अगर आप भी इसी तरह की बुक्स पढ़ना चाहते हैं तो उनका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक जरूर करें और इस चैनल दिल बोले ऑसम को सब्सक्राइब करें। मैं इसी तरह की वीडियो आपके लिए और भी लाता रहूंगा। इस चैनल पे मेरी कुछ और भी वीडियो है तो आप यहाँ पर क्लिक करके उन्हें देख सकते हैं। एट द एंड थैंक यू।